ऑल आर डूइंग ग्रेट, दिस इज मी आबिद ज़ैदी। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये कवर करने जा रहे हैं कि हम रिसेलर सर्टिफिकेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं जो कि हमें सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को प्रोवाइड करना होता है जब वो हमसे मांगता है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने सारी चीज़ों को कवर करा। ये सीरीज़ चल रही थी LLC फ्लोरिडा, LLC को क्रिएट किस तरह किया जाता है, A to Z सारी चीज़ें पिछली 4 वीडियो में कवर करता हुआ आ रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि लास्ट वीडियो ही है और इसमें रिसेलर सर्टिफिकेट को किस तरह क्रिएट किया जा रहा होता है। जब आपको EIN नंबर आपका मिल जाता है, उसके बाद आप सेलर परमिट क्रिएट कर लेते हैं, देन आप सेलर परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आपके पास टैक्स नंबर आ जाता है तो फिर देन आप यू नीड टू क्रिएट अ रिसेलर सर्टिफिकेट जो कि आपसे ब्रांड, होलसेलर और सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आपसे मांगते हैं जो कि आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में ये देखेंगे, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आने के बाद गूगल खोल लेना है। आपने गूगल खोलने के बाद आप यहाँ पर लिखना है फ्लोरिडा रिसेल सर्टिफिकेट इन PDF DR-13, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास कुछ वेबसाइट आ जाएंगी। यहाँ पे फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की आ रही है, इसको भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रिसेल सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड किस तरीके से करना है। आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेंगे, ये सारी डिटेल बताई हुई है। उसके बाद नीचे चले जाएंगे, ये कुछ पेज हैं लेकिन ये सर्टिफिकेट आपका नहीं है। ये बता रहे हैं कि इस तरह का DR-13 फॉर्म होता है, यहाँ पे आपने एड्रेस देना होता है, सर्टिफिकेट नंबर दो, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक देखा था, यहाँ पर आपको फॉर्म जी देखें, यहाँ पर आपको रिसेल सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्लोरिडा का। यहाँ पर आप देख लें 2021, आप इसको एडिट करके 2023-2024 का बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद करना पड़ता है। एनुअल रिसेल सर्टिफिकेट फॉर सेल्स टैक्स, दिस सर्टिफिकेट एक्सपायर ऑन December 30, 2021 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 2023 लिख सकते हैं इस साल के लिए। फॉर द नेक्स्ट ईयर यू कैन चेंज 2024, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो है जो आपने चेंज करनी है वो यहाँ पर आप देख लें, बिजनेस नेम एंड लोकेशन एड्रेस, ठीक है। ये आपने चेंज करनी है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे ये चेंज किसको किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो वॉच ना करनी पड़े, स्पेशली फॉर रिसेल सर्टिफिकेट फ्लोरिडा के लिए, ठीक है। सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेम होता है। आपने गूगल पे आके जस्ट लिखना है, यहाँ पर हमने फ्लोरिडा रिसेल सर्टिफिकेट लिखा है। आप यहाँ पर लिखेंगे टैक्स आर रिसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। आप यहाँ पे इन PDF लिख देंगे। आप देखें यहाँ पर कुछ वेबसाइट आ जाती हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर स्पेशली इन फ्लोरिडा रिसेल सर्टिफिकेट। हम फ्लोरिडा के रिसेल सर्टिफिकेट को बनाना देख लेंगे और उसको डाउनलोड करना और एडिट किस तरीके से करना। बाकी सारे स्टेट्स का ऑलमोस्ट इसी तरीके से हो रहा होगा, आपने डाउनलोड करना होगा। फिर मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप उस रिसेल सर्टिफिकेट को एडिट करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो टैक्स नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो सारी चीज़ें आप अपनी ऐड कर रहे होंगे इधर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये रिसेल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे इसको डाउनलोड करने का, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको मैं एक वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पर इसको हम एडिट करने वाले हैं। अच्छा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके इसको ओपन कर सकते हैं फॉर्म को डायरेक्टली और आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है, फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आप आ जाएंगे गूगल के ऊपर, आके आप लिखेंगे sajda.pdfeditor.com, ठीक है। आपने लिखना है sajda.pdfeditor.com, sajda.com लिखेंगे, ये PDF एडिटर आ जाता है आपके पास। फ्री ऑफ कॉस्ट एक साइड है जिससे आपकी PDF की फाइल्स जो है एडिट हो जाती हैं। यहाँ पे कह रहा है अपलोड PDF फाइल, मैं यहाँ पे मैंने जो डाउनलोड करी थी वो मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर अपनी रिसेल सर्टिफिकेट जो डाउनलोड किया था वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, ये इसको लोड कर लेता है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इसने इसको डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आ गया। सबसे पहले आप इसको
चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 2023 के लिए आज से। ठीक है, ये 2023 हो गया। आपने सिंपल इसको एडिट कैसे करना है, आप आएंगे, क्लिक करेंगे और आप इसको एडिट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली एडिट पे खुल गया। यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इसको हम सेलेक्ट चेंज करना चाहते हैं, 2024 करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे डिलीट के बटन से और 2024 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, हमने यहाँ पे 2023 कर लेना है। अगर इस साल के लिए हम रिसेलर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, सिंपल आपने कुछ चीज़ों को सिंपल दो चीज़ों को आपने यहाँ पे चेंज करना है, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपसे कह रहा है आपका बिजनेस नेम, लोकेशन और एड्रेस, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। आप इसी को सेलेक्ट करें और फॉर एक्स वाई जेड एल एल सी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये बिज़नेस का नाम है। उसके बाद ये कह रहा है कि लोकेशन आपकी, एड्रेस क्या है, आप जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन एजेंट से बाय किया, या आपका यूनिक एड्रेस है, या आपका वहीं का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। और सिंपल इसी तरीके से आप ऐड कर देंगे, शीट आ जाएगी, आपका सिटी स्टेट आ जाता है, उसके बाद आपका पोस्टल कोड आ जाता है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल यहाँ पर आ रहा है, इसी फॉर्मेट में आपने कर देना है और ये इसी तरीके से आपका एडिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ दूसरी ये है, आपके पास सेलर सर्टिफिकेट नंबर आ जाता है, ठीक है, जो कि आपको सेलर परमिट क्रिएट करने के बाद आपको फ्लोरिडा की वेबसाइट से मिला होगा, ठीक है। ये वो नंबर है जिस पे आपको, जब आपने सेलर परमिट क्रिएट किया होगा तो आफ्टर फ्यू वीक्स आपको जो नंबर मिला होगा साइट की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर देख लेंगे सर्टिफिकेट नंबर है, ये वो नंबर है जो आपने सेलर परमिट क्रिएट किया होगा तो उसके बाद आपको ये नंबर मिला होगा। ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको फ्लोरिडा की जो वेबसाइट है जहाँ पर आपने सेलर परमिट क्रिएट किया है वहाँ से मिलेगा लॉगिन करने के बाद आपको। और यहाँ पर आप अपना ना के सेम इसी तरीके से नंबर को ऐड कर देंगे और इसको आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे और अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे अपने पास, ठीक है। ये फॉर्म जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और इस तरीके से आप जो है फ्लोरिडा के अंदर और किसी भी स्टेट के अंदर रिसेलर सर्टिफिकेट को, ये तरीका होता है बनाने का। नॉर्मली आपको डाउनलोड करना पड़ता है नेट से और उसके बाद अपना जो है नेम, एड्रेस और अपना सर्टिफिकेट नंबर ऐड करना होता है। और एडिट किस तरीके से करेंगे, pdfsajda.com से फ्री वेबसाइट है, इसे एडिट करेंगे। या आपके पास एडिट होके आ गया है और आप इस तरीके से अपने सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को, ब्रांड्स को ये रिसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप कि दिस वीडियो आपको हेल्प करेगी रिसेलर सर्टिफिकेट बनाने में। अगर आपने मेरे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।